Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update. From Gradeup. नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रतीक है और मैं बीटेक हूँ ITBHU से 2009 बैच। बच्चों, मुझे फिजिक्स पढ़ना और फिजिक्स पढ़ाना दोनों ही बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए शायद कॉलेज से निकलने के बाद यानी 2009 ऑनवर्ड्स मैं इस प्रोफेशन में हूँ और अपना मैंने इसको पैशन बना रखा है। आप सभी को पता है कि अभी हमारे लिए एक फेस्टिवल का सीज़न आने वाला है और हमारे लिए तो फेस्टिवल का मतलब एग्ज़ाम है और जब भी ये एग्ज़ाम ये सारी चीज़ें आती हैं तो बच्चों में अलग अलग तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे किसी को किसी सब्जेक्ट से डर लगता है, किसी को फिजिक्स से, किसी को केमिस्ट्री से, किसी को मैथ से, बायो से, एग्ज़ाम से ओवरऑल डर लगता है। तो आप अगर अपने आप को कुछ चीज़ों का आंसर दे पाए तो शायद ये डर आपका ख़त्म हो जाए। तो आप ऐसा सोचो कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपसे क्या डिमांड करता है। तो एग्ज़ाम बच्चों हमसे डिमांड करता है ई। ई का मतलब है एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम। अभी जो टाइम है 2-3 महीने का, उसमें खाना, अच्छा सोना, थोड़ा बहुत खेलना और अच्छी पढ़ाई, अब ये आपकी स्मार्टनेस है कि आप अपने टाइम स्लॉट को कितने अच्छे तरीके से डिवाइड करते हैं, पढ़ाई को कितना टाइम देते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाएगा आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। तो एग्ज़ाम एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम डिमांड करता है हम सभी से। दूसरा, एग्ज़ाम डिमांड्स एक्स, यानी एग्ज़ाम एक्स फैक्टर डिमांड करता है। अब ये एक्स फैक्टर क्या है? तो एक्स फैक्टर अगर मैं बताऊँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो आपने कहानी सुनी होगी। कहानी है कौवे की, जिसको एक बार बच्चों प्यास लगती है और उसके सामने पानी भी दिखता है उसे। तो प्यास लगना आपको बहुत ज़रूरी है, वो डिज़ायर होना एग्ज़ाम के लिए कि मुझे पास करना एग्ज़ाम, अच्छे मार्क्स लेके आना है, वो डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। उसको पानी तो दिखता है पर पानी उसके मुंह तक आ नहीं सकता, इतना दूर है। तो वो क्या करता है, एक एक पत्थर धीरे धीरे वो मटके में डालता है और जैसे जैसे वो पत्थर नीचे जाते हैं वो पानी ऊपर आता रहता है और फाइनली वो पानी पी पाता है। तो वो जो एक एक पत्थर वो कौवा डाल रहा है, ये एक एक कदम आपको भी चलना है। अगर आपको लगता है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आना है तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो जो ये एक्स फैक्टर की बात हम कर रहे हैं, ये एक्स फैक्टर होते हैं हार्ड वर्किंग, यू मस्ट बी हार्ड वर्किंग। सेकेंड, यू मस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, काम चोरी नहीं करनी है। इट ऑल्सो डिमांड्स पेशेंस, कोई भी चीज़, किसी भी मेहनत का फल हमें रातों रात नहीं मिलता, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल की मेहनत होती है। तो ये पेशेंस होना भी, बिना घबराए हुए कि चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, हमें हमेशा एफर्ट्स देने चाहिए, वो पेशेंस भी होना चाहिए। तो एग्ज़ाम डिमांड्स एक्स, यानी एक्स फैक्टर। नेक्स्ट इज ए। ए का मतलब है अवेयरनेस से। तो एग्ज़ाम अवेयरनेस मांगता है। अवेयरनेस का मतलब है कि क्या आपको सिलेबस पता है, क्या आपको ये पता है कि हमें किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए, क्या हमारे पास अच्छी बुक्स हैं, क्या हमारे पास अच्छे स्टडी मटेरियल्स हैं, हम कंपटीशन में कहाँ हैं, हमारे मार्क्स कितने आते हैं, इसको हम बोलते हैं अवेयरनेस। कुछ लोग फूल्स पैराडाइज में होते हैं और जब भी एग्ज़ाम आता है वो आपका जो भी भ्रम होता है फिर वो टूट जाता है। इसलिए अवेयरनेस अपने बारे में, अपने कंटेंट के बारे में, अपने एग्ज़ाम के बारे में, किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज एम। तो एग्ज़ाम ऑल्सो डिमांड्स एम। एम का मतलब है कि यू मस्ट बी मेंटली स्ट्रांग। बच्चों, हम सब इंसान हैं और हम सब के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और तुम कोई एक्सेप्शन नहीं हो, तुम्हारे भी लाइफ में ऐसा होगा। बट जब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो कि नहीं बन रहा है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये टाइम निकल जाएगा। आप एक अच्छी नींद लो, सो अच्छे से, अपने आप को मेंटली फिर प्रिपेयर करो और ये समझो कि ऐसा सबके साथ हो रहा है और अगर आप मेहनत करोगे, लगे रहोगे, तो आप धीरे धीरे इस चीज़ से ओवरकम कर जाओगे, फिर आपको वो चीज़ें अच्छी भी लगने लगती हैं।
तो जब बहुत अच्छा दिन हो तो हमें बहुत ऊपर नहीं उड़ना चाहिए, अपने आप को समझा के रखना चाहिए कि बहुत कॉम्पिटिशन है, और जब बहुत बुरा टाइम हो तो भी अपने आप को मोटिवेट करना, ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपके पेरेंट्स या आपके कोई रिलेटिव, दादा दादी, नाना नानी, ये सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। जो इनर मोटिवेशन है ये आपको हेल्दी रखेगा अंदर से, और आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनाएगा। तो एग्ज़ाम ये चार चीज़ें हमसे डिमांड करता है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम, एक्स फैक्टर लाइक हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी एंड पेशेंस, देन अवेयरनेस अबाउट द एग्ज़ाम, और एट लास्ट मेंटल स्ट्रेंथ। आप कितना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो ये एग्ज़ाम हमसे डिमांड करता है। तो अब अगर आप एग्ज़ाम की बात करते हैं, जैसे मैं आईटी जेई को ले लूं, तो बच्चों जेई मेन अभी हमारा जनवरी में होने वाला है, 6 जनवरी से 20 जनवरी, सबको पता है, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, और हमारे लिए तीनों सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। कुछ लोग आर्किटेक्चर का भी दे रहे होंगे, उनके लिए वो पेपर्स भी इम्पॉर्टेंट है बीआर के। अब सिंस मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, हालांकि सारे सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, पर मैं फिजिक्स को थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। फिजिक्स का डर आपके दिमाग से कोशिश करता हूँ कि शायद हट जाए, या इन जो भी टाइम आने वाला टाइम है, ये 2-3 महीने में, तब तक ये जाके डर कहीं निकल जाए। फिजिक्स की इम्पॉर्टेंस तो बच्चों ऐसा है कि 3 सब्जेक्ट में 1/3 मार्क्स तो फिजिक्स के ही है, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट तो वैसे ही बना देता है। दूसरा, हम सबको फिजिक्स बचपन से लेके अभी तक सुनना, पढ़ना, उसकी बातें करना अच्छा लगता है, और फिजिक्स का इम्पॉर्टेंस लाइफ में ये तो एक अलग ही सेशन हो सकता है हमारा, हम उसमें नहीं जा रहे हैं अभी। फिजिक्स की इम्पॉर्टेंस एग्ज़ाम में क्या है वो समझना है, कि 1/3 वेटेज, तो आप इसमें अगर स्कोर करते हो तो वैसे ही आप बहुत आगे निकल जाते हो, और सेकेंड कि सिंस आपका कहीं ना कहीं अफेक्शन है फिजिक्स से, भले ही कभी स्कोर ना आए या सीखने में समझने में कभी प्रॉब्लम रह गई हो, तो नंबर नहीं आ रहे हैं, तो अगर वो आप इम्प्रूव कर लो तो फिजिक्स स्कोरिंग भी हो जाएगा। तो आपको कुछ अलग से इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना है, इंटरेस्ट आपके अंदर है ऑलरेडी, आप अगर थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो तो फिजिक्स में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए भी फिजिक्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम फिजिक्स को कैसे पढ़ें, ये 2-3 महीने जो हमारे बचे हैं उसमें हम आपकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, और हेल्प हम किस तरह से करेंगे, तो आप ऐसा समझें कि बच्चों ये जो भी हम क्लासेस लेंगे, कुछ रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, कुछ लाइव सेशंस होंगे, उसमें हमारा 3 फोकस एरिया है। पहला फोकस एरिया है कि हम किस तरह की प्रॉब्लम अटेम्प्ट करें, या मैं किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको रिवाइज कराऊं। तो सिंस अभी टाइम बहुत कम है, ये 2 साल का सब्स्टिट्यूट नहीं है जिसमें हम होलिस्टिक पढ़ते हैं, तो मैं कुछ सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स लूँगा जो प्रीवियस ईयर जेई मेन्स के होंगे। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराते वक्त मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दूंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम आपको क्विजेज देंगे, वो क्विजेज आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर पाते हो बहुत अच्छा है, हमारी कोशिश होगी कि आपके जितनी पॉसिबल हेल्प हो पाए उतनी हम करें, इसलिए अगर आपको क्विजेस सॉल्व करके बच्चों डाउट्स आते हैं तो हम उस डाउट को भी दूर करेंगे, उसके लिए हो पाया तो फिर सेशन लेंगे और उनके सॉल्यूशंस आपको देंगे। लेकिन क्विजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसको आपको अटेम्प्ट करना है, तभी आप एसेस कर पाओगे कि आपको ये जो भी कोर्स है हमारा, फ्री कोर्स है, इसका आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि ये कोई साल भर 2 साल की मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिन बच्चों ने, जिनके पास अच्छी कोचिंग है, जिनके पास अच्छे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, जिन्होंने 2 साल बहुत मेहनत की है, वो तो एडवांटेज पे हैं, पर जिनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बच्चों हमारे बस ये कोशिश है कि हम थोड़े थोड़े टाइम पे आपको थोड़ा बहुत सही डायरेक्शन पे अगर ला पाए और ऑप्टिमम यूज़ कर पाए आप इन 2-3 महीनों का, तो शायद आपका बेनिफिट हो, ऐसा हमारा इंटेंशन है, हम कोशिश कर रहे हैं, और आप सभी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम जल्दी ही आपको अपने सेशंस अपलोड करेंगे वाया वीडियो,
और फिर लाइव सेशंस भी लेंगे। फिर बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने आपको पहले भी बताया कि शायद आप रिसोर्सफुल हैं, आप प्रिविलेज्ड हैं, आपके पास अच्छा स्कूल होगा, आप अच्छी कोचिंग में गए होंगे, अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा। सारे बच्चों को ऐसा नसीब नहीं होता है। तो अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं आपके स्कूल में, कॉलोनी में, घर में, जिसको ये सारी चीज़ें नहीं मिली हो, कंस्ट्रेंट चाहे जो भी हो, मॉनेटरी और अदरवाइज, आप उसकी हेल्प करें। आप उसको बताएं कि जो भी 2-3 महीने हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे या फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्विजेस सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स लेके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अगर वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो उठा ले, क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। और सिंस ये कोर्स फ्री है तो आप इसको बिल्कुल फालतू ना समझें। रीज़न ऐसा है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्री का मतलब बच्चों सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। हम आपको, आपसे आपका टाइम मांग रहे हैं, आपकी मेहनत मांग रहे हैं, वो आपको करनी होगी। हम आपको गाइड कर सकते हैं, आईटी जेई क्रैक करना, आईटी में जाना, एनआईटी में जाना, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। हम आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस कोर्स के थ्रू हमारा यही इंटेंशन है कि जिन लोग को ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाई हैं उन तक भी थोड़ी बहुत चीज़ें पहुँचें, और जिनके पास, जिनको अवेलेबल हो पाई हैं, जिनके पास ये सारी चीज़ें थी, उनको भी अगर सही से रिवीजन हो जाए इस थोड़े टाइम पे, तो वो बहुत अच्छा है। और बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इसको एज अ मोटिवेशन भी देख सकते हैं। गांधी जी जो हमारे फादर ऑफ नेशन हैं, उनका एक बहुत फेमस सेइंग था, और अगर मैं उसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊं तो उनका बच्चों ये कहना था कि अगर आप किसी चीज़ पे ट्रू बिलीफ रखते हो, आपको विश्वास है कि मैं ऐसा कर लूँगा, तो धीरे धीरे उस काम को करने के लिए वो काबिलियत आप अक्वायर कर लेते हो, वो आपके अंदर काबिलियत आ जाएगी, आपकी बॉडी टोन्ड हो जाएगी, आप मेंटली उतने फ्रेश हो जाओगे, जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी भी आ जाएगी, हमारी बॉडी उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेती है। और जब आपके पास शुरू में आपने स्टार्ट किया होगा, तो ऐसा हो सकता है कि ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर ना हो। तो कोई भी जो बच्चा अभी थोड़ा बहुत कमज़ोर महसूस करता है अपने आप को, अगर आप टारगेट सही रखते हो और आपको लगता है कि आप मेहनत करोगे, आईटी में जा सकते हो, एनआईटीज में जा सकते हो, आपको बिलीव करना बहुत ज़रूरी है कि आप जा सकते हो। आप बिलीव करते रहो, हम आपको गाइड करेंगे जो भी पॉसिबल हो सकता है छोटे से टाइम पे, और अगर आपकी इससे कोई भी हेल्प हो सकती है, थोड़े से गाइडेंस से आपके मार्क्स आ सकते हैं, तो मुझे लगता है आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ऑल माई बेस्ट विशेस आपके एग्ज़ाम के लिए, आप अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच।